हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रसलान और आप देख रहे हैं टेक बुखार। फ्रेंड्स, आज हम कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं एक ही कंपनी के दो लेटेस्ट मोबाइल की। जी हां, ये कंपनी कौन सी है? जी, ये शाओमी की। हम एक तो MI 9 का कैमरा कंपैरिजन करेंगे रेडमी नोट 7 के साथ। दोनों में ही 48 मेगापिक्सल कैमरा बताया जाता है, लेकिन MI 9 में रियल 48 कैमरा मेगापिक्सल है, जबकि रियलमी नोट 7 में आपको आर्टिफिशियल 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। मतलब ये कि इसमें आपको सैमसंग का जो अपर्चर होता है, या कहिए सैमसंग का सेंसर है, जो 12 मेगापिक्सल के कैमरा से आपको 48 मेगापिक्सल की पिक्चर क्लिक करके देता है प्रोसेसिंग के बाद। तो आइए हम कैमरा कंपैरिजन करते हैं MI 9 का रेडमी नोट 7 के साथ। देखिए, आप कैमरा कंपैरिजन या कहें सैंपल्स देखकर क्लियर ही डिफाइन कर सकते हैं कि MI 9 का 48 मेगापिक्सल का कैमरा रेडमी नोट 7 से कई जगह बेहतर है। MI 9 में रियल कलर्स आते हैं, जबकि रेडमी नोट 7 में कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। इसीलिए इन दोनों के कैमरा सैंपल्स थोड़े अलग और कहीं कहीं सिमिलर दिखाई देते हैं। आपको एक बात मैं बता दूं, जो कैमरा सैंपल्स हैं MI 9 में बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। जो कलर्स आपको MI 9 में दिख रहे हैं, ओरिजिनल भी में भी इन चीज़ों के कलर यही थे, जबकि रेडमी नोट 7 में थोड़े से कलर चेंज हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यही कैमरा सैंपल देख कर जज करना होगा कि आपको कौन सा कैमरा बेहतर लगा। मेरी राय में तो MI 9 का कैमरा रेडमी नोट 7 से कई गुना बेहतर है, क्योंकि इसमें रियल कलर, शार्पनेस, ब्राइटनेस और सेचुरेशन बेटर नज़र आते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी हमने MI 9 का कैमरा कंपैरिजन अदर फोन्स के साथ किया हुआ है, आप उन्हें भी देखकर जज कर सकते हैं कि आपको कैमरा सैंपल्स कैसे लगे अदर फोन्स के साथ MI 9 के। आपको ओप्पो K1 के साथ कैमरा सैंपल्स मिल जाएंगे, Realme U1 के साथ मिल जाएंगे, रेडमी नोट 7 का भी हमने Vivo V50 Pro के साथ किया हुआ है कैमरा कंपैरिजन, MI 9 का भी Vivo V50 Pro के साथ किया है, Galaxy M20 के साथ किया हुआ है। आपको इन सभी कैमरा कंपैरिजन्स की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी हमारे कैमरा सैंपल्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के कैमरा सैंपल्स देखने के लिए। बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्द मिल जाए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय कमेंट में दीजिए, आपको दोनों में से कौन सा कैमरा ज़्यादा बेहतर लगा, या फिर दोनों लगे हों तो वो ये बता सकते हैं, और इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि ये दूसरे लोगों को भी मोबाइल लेने में मदद कर सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।